भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से 35 मिनट और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट फोन पर बात की। भारतीयों को सुरक्षित यूक्रेन से लाने पर ही जोर दिया गया। इरपिन शहर से एक बड़े वर्ग को अब युद्ध में बरसते बमों के बीच से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन शहर की बर्बादी को कोई नहीं रोक पाया। ऐसे ही विध्वंस का गवाह क्या कुछ ही किलोमीटर दूर यूक्रेन का सबसे बड़ा और प्रमुख प्रांत राजधानी कीव भी हो जाएगा। याद करिए कीव के टीवी टावर से टकराने वाली रूस की इस मिसाइल के वीडियो को। क्या हुआ इसके बाद ये आपको बताने के लिए यहाँ आज तक पहुँचता है। ये वो टीवी टावर है जहां पर वो टकराती हुई मिसाइल सबने देखी थी तस्वीरों में, और अब देखिए उसका मलबा कहां तक आकर गिरा है। ऊपर ये मजबूत टीवी टावर है तो इसीलिए आपको उसमें एक जगह तो दिख जाएगा जहां पर आक्रमण हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे सड़क के दोनों ओर देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसका उस धमाके का असर कहां कहां तक हुआ। ऐसा धमाका जो पिछली रातों में भी इरपिन शहर ने झेला है, ऐसे हमलों से कीव बच सके इसीलिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोग जवानों के साथ मिलकर रूस की सेना के विरुद्ध इन अवरोधों को तैयार कर रहे हैं। साथ ही प्रमुख जगहों पर लोग शॉपिंग ट्रॉली में वो बैग भर कर ले जाते हैं जिसमें बालू भरी गई है, और बालू भरी इन्हीं बोरियों को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। अगर ये कहा जाता है कि रूस को दिक्कतें आ रही हैं आगे बढ़ने में, तो कीव के लिए भी ये दिखाने की बारी है कि वो किस तरह से मुकाबला कर सकता है। जो सैनिक हैं वो भी मौजूद हैं, और ये तो मुख्य इलाका है, जो सरहदी इलाके हैं इस पूरे शहर के वहां पर सैनिकों की मौजूदगी आमतौर पर है। इन इलाकों में जो सिविलियंस हैं वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए। इसी तरीके से छोटे छोटे इस पूरी पूरे मिक्सचर को भरा जा रहा है उन बोरियों में, और उन बोरियों के जरिए उन इलाकों में लगाया जा रहा है। जमीन पर आने से पहले रूस का हमला आसमान से होता है, और तब कीव में लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजता है। देखिए इस तरह के जो सायरन्स बजते हैं, ये एयर अलर्ट, ये रेड अलर्ट के सायरन्स हैं। ये सायरन की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको किसी सुरक्षित जगह पर उसी समय पहुंच जाना है। सड़कों की जो चहल पहल है आपको अचानक घटती हुई नजर आ जाएगी। उस समय लोग जो हैं वो तेजी से किसी किनारे लगना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं, और ये कीव के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म बहुत दिनों से है। जब भी ये एयर रेड के सायरन आते हैं उसके बाद कोई आसमानी आक्रमण यहां पर नजर आता है। पिछले 12 दिन में लगातार कीव ने रूस की मिसाइल और रॉकेट की वो आक्रमणकारी तबाही देखी है, लेकिन अब तक कीव रूस के कब्जे में नहीं आया। क्या कीव आगे भी सुरक्षित रह पाएगा? एक बेहद खूबसूरत शहर, यूरोप का हिस्सा न होकर भी यूरोप के लोगों के लिए एक हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पर यह पूरा इलाका देखा जाता रहा। हर तरफ आप तरक्की के निशान देख लेंगे, हर तरफ आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सुंदरता देख लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस शहर को किसी की नजर लग गई। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, इरपिन, आज तक।